अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज नाश्ता बनाते हुए मैंने सोचा कि आप मेरा पराठा बनाने का तरीका भी देखें। से बनता है इस तरीके में पिज्जा कटर की मदद से या छुरी की मदद से इस तरह से बारीक बारीक कट लगाते जाएं रैंडम फॉर्म में, लेकिन डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। ये थी हमारा कटिंग वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब इसे भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। अगर रोटी बोर्ड के साथ चिपकती हुई महसूस हो तो थोड़ा सा खुश्क आटा लगा लीजिए और फोल्ड करते जाएं। ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो इस पट्टी को भी हम अंदर की तरफ रोल करते हुए पेड़े की फॉर्म में ले आएंगे। लीजिए, अब बारी आती है फोर्थ मेथड की। इसमें भी हमने
रोटी को बेल कर उसके ऊपर घी लगाया और खुश्क आटा फैला दिया। अब दोबारा पिज्जा कटर या छुरी की मदद से हमने इक्वल स्ट्राइप्स में कट लगाए। अब इन तमाम पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए कलेक्ट किया। अब हमारे पास एक लंबी पट्टी आ गई है। दोनों हाथों से दबाते हुए थोड़ा इसको फ्लैट कर लेंगे और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, इस तरीके में पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए ख्याल रखना है कि छोटे साइज़ की पट्टियाँ जो हैं वो अंदर की तरफ आ जाएं और बाहर की तरफ सबसे लंबे साइज़ की पट्टियाँ आएँ। लेंटिया, आप देख सकते हैं हमारे पास चारों तरीकों से बनाए गए पेड़े हैं। देखने में भी उन चारों में वाज़े फर्क दिखाई दे रहा है। अब बारी बारी हम इन पेड़ों को बेल कर पराठा तैयार करेंगे। आप बस हमारे साथ रहिए और देखिए चारों तरीके के पराठे किस तरह से अपने फाइनल फॉर्म में आते हैं। ये जी हमारा पहला पराठा तवे पर गया। एक तरफ से सेंक कर उसको हमने घी लगा के तल लिया। किनारों पर भी घी लगा लिया ताकि किनारों तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और ये इसको पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लिया। ये देखिए, आपको क्लियरली इसमें बल दिखाई दे रहे होंगे। और ये हमारा पहला पराठा तैयार है। अब बारी आती है दूसरे तरीके के मुताबिक बनाए गए पराठे की। पेड़े को बेल कर हमने रोटी को तवे पर डाला। अब इसको भी घी लगा के हम तल लेंगे। और जी, ये दूसरा पराठा भी तैयार हो गया। अब इसमें भी आपको बल दिखाई दे रहे हैं ना, लेकिन पहले वाले पराठे की नस्बत ज्यादा है। अब हम तीसरा पराठा तैयार करते हैं जिसे हमने रैंडम कट्स लगा कर फोल्ड किया था।
ये वाला पराठा बेसिकली लच्छेदार पराठा होता है, जिसको आप तोड़ें तो इसके अंदर लच्छे क्लियरली विजिबल होते हैं। अब रह गया जी आखिरी पराठा, जिसको हमने कट्स लगा के पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के पेड़ा तैयार किया था। इस पेड़े को भी रोटी के फॉर्म में बेलकर हम तवे पर डाल देते हैं। और ये देखिए जी हमारा चौथा पराठा भी तैयार है, बल वाला लच्छेदार पराठा। अब मैं आपको सब पराठे बारी बारी खोल कर दिखाती हूँ। चॉइस इज ऑल योर्स कि आपको कौन सा पसंद आता है और आप किस तरह का बनाना पसंद करेंगी। करती हूँ कि आज की वीडियो के साथ साथ आपको मेरे गर्मा गर्म खस्ता पराठे भी पसंद आए होंगे और आप इनमें से कोई ना कोई बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगी। इन पराठों को सालन के साथ या ऑमलेट के साथ खाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।